नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना साइटेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे कंप्यूटर के बारे में जो बेहद ही सस्ता है लेकिन काम उसका बहुत ही ज्यादा है। और आज के डेट में ये जो जिस भी हम सीपीयू के बारे में बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है, चाहे वो कोई शॉप हो और खास करके जितने भी कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर हैं उसके अंदर 99% यही सीपीयू यूज हो रहा है। जहां पर आप कंप्यूटर सीखने के लिए जाते हैं, जिस भी सेंटर्स पे जाते हैं, वहां पर 99% यही सीपीयू आपको मिलता है। और खास करके उनके लिए बहुत ही बेहतर है अगर आप स्टूडेंट हैं और थोड़ा बड़ा छोटे मोटे ऑफिशियल वर्क करना चाहते हैं और घर पे अपने बच्चों को देना चाहते हैं सीखने के लिए, तो ये सस्ता, सुंदर और बहुत ही बेहतर ये कंप्यूटर आपके लिए साबित हो सकता है। मैं खुद अपने सेंटर्स में करीब करीब 35 कंप्यूटर ये लगा रखा हूं और पिछले 5-5, 10-10 साल हो गए हैं, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं आती है और बहुत बेहतर वर्क करता है। लेकिन आज के डेट के हिसाब से अगर आपको विंडोज 7 या विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर चलाना है तो उसके अंदर क्या क्या सावधानियां रखनी होगी, इन सारी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए हम पहले देखते हैं कि एक्चुअल उसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी। तो उसके लिए हम चलते हैं रेट लिस्ट पर, जो आप यहां पर देख सकते हैं, ये इसकी कॉस्टिंग मैंने निकाला हुआ है जो कि मैं लेकर के आया हुआ हूं और उसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और एक एक पॉइंट, एक एक कंपोनेंट्स के बारे में हम बताएंगे कि क्या क्या सावधानियां आपको रखना है और कैसे आपको परचेस करना है और कितना आसान है इसको बिल्ड करना। आप बिल्कुल ये सारे सामान को लेकर के आकर के आप अपने घर पे बिल्ड कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं रेट लिस्ट जो है टोटल 5100 रुपये है। 5100 रुपये में कंप्लीट सीपीयू आपका रेडी हो जाएगा और वो जो सीपीयू होगा जिसको हम कहते हैं ड्यूअल कोर सेकेंड जनरेशन में ये आता है। तो आप ये इसके लिए ऑनलाइन पे ना जाएं, ये आप जिस भी शहर में रहते हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी दुकानें होती हैं कंप्यूटर्स की, जहां पर कंप्यूटर्स के सभी एक्सेसरीज वगैरह मिलता है, जहां पर कंप्यूटर के सभी सामान वगैरह मिलता है, यानी जहां पर लैपटॉप या कंप्यूटर्स वगैरह असेंबल्ड किए जाते हैं वहां पर ये सारे के सारे सामान आपको मिल जाएंगे बहुत ही इजी तरीके से, जिसके अंदर मदरबोर्ड कंप्लीट आता है बिल्कुल भी इसके लिए। तो ये मदरबोर्ड जब भी आप लेने के लिए जाएंगे तो ये कंप्लीट, यानी कि उसके अंदर आपको कुछ भी लगाना नहीं है, यानी कि उसके अंदर आपको सीपीयू लगा हुआ, यानी कि प्रोसेसर लगा हुआ मिलेगा, रैम लगा हुआ मिलेगा, उसके साथ में हीट सिंक वगैरह सब कुछ जो है इसके साथ ही मिलेगा। आपको कुछ भी अलग नहीं लेना है। जैसे कि अगर लेटेस्ट वर्जन अगर आप लेते हैं तो आपको रैम सेलेक्ट करना होता है, सीपीयू सेलेक्ट करना होता है, लेकिन ये जो होता है बिल्कुल कंप्लीट एक पैकेट आता है। और उसके अंदर जो हार्ड डिस्क लगेगी वो साटा हार्ड डिस्क, चूंकि आप लगा सकते हैं 500 GB 1 TB लगा सकते हैं, लेकिन यहां पर हम बात करेंगे बिल्कुल सस्ते सीपीयू की जिसके अंदर 80 GB का हार्ड डिस्क भी लगा सकते हैं या फिर 160 GB का हार्ड डिस्क आप लगा सकते हैं, जो मार्केट में बहुत ही इजी वे में मिल जाता है। क्योंकि 80 GB और 160 GB हार्ड डिस्क के प्राइस में ज्यादा अंतर नहीं आएगा। यहां पर मैंने 1000 हार्ड डिस्क के लिए लिया हुआ है प्राइस, क्योंकि 80 GB का हार्ड डिस्क अगर आप लेने जाते हैं तो 750-800 रुपए के आसपास में मिल जाएंगे। वहीं पर अगर आप 160 GB लेते हैं तो 1000 से 1200 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से, क्योंकि ये हार्ड डिस्क जो होगी नई नहीं होगी, ये सेकेंड हैंड मिलती है मार्केट में विथ 1 ईयर वारंटी के साथ में ये मिलती है। और कैबिनेट जो इसके अंदर लिया हुआ है वो विथ पावर सप्लाई आपको मिल जाती है 1000 रुपए के अंदर मिल जाती है। वो मैं भी दिखाने वाला हूं आपको कि वो कौन सा कैबिनेट होगी और वो कौन सा पावर सप्लाई होगा। और उसके साथ में ही जो है कीबोर्ड, कोई भी आप कीबोर्ड ले सकते हो, वो भी मैं बताऊंगा कौन कौन सा कीबोर्ड आपको मात्र 200 के अंदर मिल जाता है, और माउस जो है 100 रुपए के अंदर मिल जाता है। और टोटल अगर आप जोड़ेंगे तो 5100 रुपए मिलेगा और 5100 रुपए में आपको एक बेहतर सीपीयू मिलता है। मैं यहां पर कंपैरिजन की बात नहीं करूंगा कि आप कंपैरिजन करें ड्यूल कोर थर्ड जनरेशन i3 i5 से, तो ऐसी बात नहीं है। यहां पर वर्क से मतलब है, अगर आप नॉर्मल वर्क कर रहे हैं या फिर सेंटर चला रहे हैं तो आप 99% देखेंगे सभी कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर में यही सीपीयू आपको मिलेगा। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं मदरबोर्ड के बारे में। तो मदरबोर्ड्स के का डिटेल्स आप जो है प्रॉपर तरीके से समझेंगे इसके बारे में, आप इसके नाम पर नहीं जाएंगे कि इसका नाम किस नाम से आ रहा है। सबसे पहले आप
ये समझें कि आप दुकानदार को क्या बोलेंगे जब जाएंगे। तो जैसे देहाती भाषा में जितने भी इधर के जिले हैं, यूपी बिहार वगैरह के जिले हैं, यहां तक कि दिल्ली के नेहरू प्लेस की मार्केट जैसे बड़ी मार्केट के अंदर भी आप जाते हैं तो बहुत ही सिंपल भाषा में बोला जाता है कि हमें ड्यूल कोर का बंडल दे दो या फिर ड्यूल कोर DDR2 दे दो कंप्लीट। तो उसके अंदर आपको जो बोर्ड मिलेगा उसके अंदर क्या क्या मिलेगा वो हम इसके अंदर देखते हैं। तो आप ये देख सकते हैं इस तरीके का बोर्ड मिलेगा जिसके अंदर आपको पाटा हार्ड डिस्क या फिर DVD CD राइटर वगैरह जो ऐड करने के लिए जोड़ने के लिए मिलेगा। और दो आपको केबल मिलती है SATA केबल जो आप हार्ड डिस्क को जोड़ सकते हैं या फिर आप अपने DVD राइटर वगैरह को जोड़ सकते हैं। उसके नीचे मिलता है ये मदरबोर्ड आपका। आप एक एक चीज को ध्यान से देखेंगे जिसके अंदर ये पैनल मिलता है जो कैबिनेट्स के अंदर लगेगा और इस तरीके का जो है ये बोर्ड मिलता है आपको जिसके अंदर रैम 1 GB पहले से लगी होती है। दूसरी चीज और बोलनी होती है आपको कि ड्यूल कोर का DDR2 का बंडल दे दो या फिर ड्यूल कोर DDR2 का कंप्लीट बोर्ड हमें चाहिए तो वो कंप्लीट निकाल करके सीधा आपको दे देगा। तो DDR2 जब भी बोलेंगे तो 1 GB के साथ ही आता है। एक स्लॉट में 1 GB रैम आपको लगा हुआ मिलेगा। इसके साइड में एक स्लॉट आपको खाली मिलती है जिसके अंदर आप 1 GB और इसके अंदर ऐड कर सकते हैं तो वो जो हो जाएगी 2 GB। तो यहां पर जो है जो इसके साथ में आता है हम उसी की कॉस्टिंग लगा करके चल रहे हैं और उसके अंदर जो है CPU भी ऑलरेडी लग करके मिलता है। तो CPU यानी कि 1 GB रैम का आप ख्याल रखेंगे। दूसरा जो CPU मिलेगा उसके अंदर यानी ड्यूल कोर 2.8 मिल सकता है, 3.0 मिल सकता है, 3.2 मिल सकता है। तो कोशिश करें कि ये ज्यादा से ज्यादा मिले, कम से कम 2.8 का CPU आपका जो है होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो 2.8 लेंगे या फिर 3.0 लेंगे तो यह एक बेहतर वर्क करेगा। तो यानी अब इसके अंदर आपको कुछ भी अलग से लेने की जरूरत नहीं है, साथ में ही हीट सिंक मिलता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 13 वाइट का हीट सिंक मांगे, ये बहुत ही पॉपुलर हीट सिंक है, ये हर जगह मिलेगी आपको, हर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे यूपी हो, चाहे कलकत्ता हो, कहीं पर भी, चाहे आपका यूपी का लखनऊ हो, चाहे बिहार का पटना हो, हर जगह मिलेगा। 13 वाइट हर कंप्यूटर पर मिलता है और इसकी ये आप मोटाई देख सकते हैं, बहुत ही हैवी ये हीट सिंक होती है जो आपके सीपीयू को बहुत ही प्रॉपर तरीके से कूलिंग देती है। सीपीयू जितना ही कूल होगा उतना ही आपका वर्किंग बेहतर तरीके से होगा। तो ये हीट सिंक एक्चुअली उसी रेट में इंक्लूड होता है। वैसे अगर सिर्फ लेते हैं आप तो 2600 2650 रुपये का ही पड़ता है, लेकिन हीट सिंक के साथ ये पड़ जाता है करीब 2800 रुपये का पड़ जाता है। तो ये स्टेट वाइज ये एक्चुअली हमारे मऊ डिस्ट्रिक्ट का रेट है और यही रेट इसी के आसपास थोड़ा सा सस्ता ही पड़ेगा, दिल्ली के नेहरू प्लेस का भी ये रेट है, इसी के आसपास का मिल जाता है आपको और लखनऊ का भी लगभग लगभग यही रेट है। तो ये इसी रेट में आपको मिल जाएगा, थोड़ा मोड़ा 25-50 इधर उधर हो सकता है। तो ये चीजें यानी कि मदरबोर्ड के साथ, मदरबोर्ड जब आप लेते हैं तो आपको रैम की टेंशन नहीं है उसके साथ मिलेगा, सीपीयू की टेंशन वो आपके साथ मिलेगा, वो उसके साथ मिलेगा। और आपको जो है सेलेक्ट करना होता है कि हीट सिंक भैया बढ़िया वाला दे दो, बस ये चीज आपको लेना होता है, आपका काम खत्म। यानी सीपीयू यानी ड्यूल कोर का कंप्लीट, आपको सीपीयू DDR2 का जो है सीपीयू बिल्कुल कंप्लीट हो गया आपका विथ मदरबोर्ड के साथ में। उसके बाद आती है बारी हार्ड डिस्क की। तो हार्ड डिस्क जब आप लेंगे तो आप नई नहीं मांगे अगर 80 GB और 160 GB लगाना है, क्योंकि ये बननी बंद हो गई है, ये आपको सेकेंड हैंड ही मिलेगी, लेकिन एक बेहतर परफॉर्मेंस देती है, हार्ड डिस्क जल्दी खराब होती नहीं है, क्योंकि मैंने ये लेकर के करीब 5-5, 10-10 साल हो गए हैं और आज तक सेंटर्स में चल रहा है, सारा दिन चलता है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। तो अगर आप जो है हार्ड डिस्क के परचेस करते हैं 80 GB तो हो सकता है 800-850 के आसपास में मिल जाएगा। तो चूंकि मैंने ये नियर अबाउट रेट 1000 रख रखा है ताकि ये गलत ना हो, आपको ज्यादा पे ना करना पड़े, तो का प्राइस रखा हुआ है। अगर 160 GB भी लेते हैं तो ये 100-200 का डिफरेंसेस आते हैं। तो ये हो गया हार्ड डिस्क। साटा लेंगे, कभी भी पाटा नहीं लेंगे, पाटा के लिए आपको ये वाली केबल लगाना पड़ेगा जो काफी आउट ऑफ डेटेड है, तो साटा ही परचेस करें। हार्ड डिस्क जब भी लें 100-200 रुपए का डिफरेंसेस आ जाएगा और ये वाली केबल जो है इसके साथ में लगेगी।
तो ये तो हो गया आपका मदरबोर्ड और हार्ड डिस्क। उसके बाद जो है हम बात करते हैं, ये चूंकि हार्ड डिस्क का पार्ट है जो इसके साथ में जुड़ेगा, तो हम पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट करने के लिए जो है आप हार्ड डिस्क का ये जो बैक पैनल है आप इसके बैक साइड में लगाएंगे, और ये उल्टा कभी लगेगा नहीं क्योंकि किसी भी साइड से ये बिल्कुल कंप्लीट बैठ जाता है। इस तरीके से बैठा लेने के बाद जो है आप इसको सीधा करेंगे और बिल्कुल सरफेस पे रख देंगे। अब जो है हम इस बॉक्स को साइड कर लेते हैं, इसका काम खत्म है। और उसके बाद जो है इसका वायर आप देख करके कि इसका कनेक्टर किस साइड में है, तो यहां पर जो है इसका कनेक्टर इस साइड में लगा हुआ है। और कनेक्टर ढूंढने के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि जो भी ये कनेक्टर सीपीयू के लगा हुआ है तो उस पर लिखा हुआ मिलेगा आपको सीपीयू फैन। तो सीपीयू फैन का कनेक्टर देख करके आप जो है उसमें लगा दें, तो उसी के हिसाब से वायर देख करके आपको जो है ये बिल्कुल फिट उसी पर लगाना है इस तरीके से। उससे पहले एक और मैं बात बताऊं, हीट सिंक के साथ में हीट सिंक कंपाउंड का पाउच एक छोटा सा मिलेगा आपको। तो चूंकि मैं ये यूज कर चुका हूं वो पाउच, इसीलिए मैं ये एक डिब्बी रखता हूं जो 10 रुपये में मात्र आती है। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अगर ये नहीं होगा तो सीपीयू का जो हीटिंग है वो हीट सिंक में ट्रांसफर प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जब आप नया लेंगे हीट सिंक तो हीट सिंक के साथ वो छोटा सा पाउच मिलता है जिसके अंदर ये होता है। तो उसके अंदर से थोड़ा सा लेकर के इस तरीके से माचिस की तिल्ली के सहायता से आप इसको सेंटर में इस तरह से रख करके छोड़ दें, और उसके बाद जब आप सीपीयू पर रखेंगे तो अपने अकॉर्डिंग ये जो है फैल जाएगा। उसके बाद जो है आप इसको मिला करके प्रॉपर तरीके से इस तरीके से चारों तरफ से, ताकि ये प्रॉपर होल में मैच कर जाए। और उसके बाद जो है आप स्क्रू ड्राइवर चारों बोल्ट को प्रॉपर तरीके से टाइट कर दें। चूंकि इसके अंदर स्प्रिंग लगी होती है थोड़ा सा दबाना पड़ेगा आपको तब ये टाइट होगा। दोनों चारों को थोड़ा थोड़ा बराबर बराबर टाइम टू टाइम आप इसको टाइट करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि एक ही बार एक किसी भी बोल्ट को बहुत ही आप हाईली टाइट कर दिए और उसके बाद जो है बाकी को टाइट कर रहे हैं। तो चारों को बराबर बराबर लेकर के चलना होगा ताकि कोई भी साइड से प्रेशर ना पड़े। इस तरीके से जो है टाइट कर देंगे और ये बिल्कुल भी जो है कंप्लीट हो गया। और उसके बाद जो है इसका कनेक्टर आप लगा देंगे, और कभी भी ये कनेक्टर गलत नहीं लगेगा, बस आप कनेक्टर का ध्यान देंगे कि सीपीयू फैन लिखा हुआ होना चाहिए इस तरीके से। अब ये कंप्लीट है, और आप ये साइड में इसके कनेक्टर्स भी देख सकते हैं, जितने भी पोर्ट वगैरह हैं आपका PS2 माउस वगैरह और कीबोर्ड लगाने के लिए दोनों मिल जाते हैं, VGA के लिए मिल जाते हैं, ये पुराने समय के प्रिंटर्स वगैरह लगाने के लिए आपको ये जो है पोर्ट मिल जाते हैं। यहाँ पर 4 USB मिलती है आपको, इंटरनेट इथरनेट कनेक्टर आपको मिल जाता है सॉकेट, और यहाँ पर जो है ऑडियो कनेक्टर्स वगैरह मिल जाते हैं। तो 4 USB तो यहाँ मिल जाएगा, और 2 जो है फ्रंट पैनल पे लगाने के लिए मिल जाते हैं, तो टोटल 6 USB हो जाते हैं। तो बहुत ही USB है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नॉर्मल वर्क करने के लिए पड़ती नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 जो है यहाँ पर आपका ये साटा केबल लगाने के लिए कनेक्टर्स मिल जाते हैं यहाँ पर, और एक जो है ये पाटक हार्ड डिस्क लगाने के लिए कनेक्टर्स मिल जाता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं इसके अंदर है, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल वर्क करने के लिए ये बहुत ही बेहतर सीपीयू माना जाता है। तो अब उसके बाद ये बिल्कुल कंप्लीट है, अब आपको कुछ नहीं करना। अब हम चलते हैं कैबिनेट को देखते हैं। ये है कैबिनेट, जो यूमैक्स की कैबिनेट है, और ये जेब्रोनिक्स की भी आपको सेम रेट में मिल सकती है। सभी कंपनियों में अलग अलग प्राइस के मिलते हैं कैबिनेट्स और पावर सप्लाइयाँ, लेकिन ये यूमैक्स का मैंने यूज़ कर रखा है क्योंकि यूमैक्स और जेब्रोनिक्स दोनों ही मैं यूज़ करता हूँ काफ़ी समय से, तो ये बहुत ही बेहतर काम करते हैं। यूमैक्स भी ले सकते हैं, आपको 1000 में मिल जाएगा विथ पावर सप्लाई मिलेगा, और यूमैक्स भी मिल जाएगा, जेब्रोनिक्स भी मिल जाएगा, इंटेक्स के भी मॉडल्स मिल जाएंगे 1000 के अंदर, जिसमें के अंदर पावर सप्लाई अलग से लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कंप्लीट मिलता है और बिल्कुल बेहतर तरीके से सब कुछ मिलता है। यहाँ पर आपको ये प्लास्टिक के स्क्रू मिल जाएंगे ऊपर से कवर्ड, आप इसको ओपन करेंगे और स्टार्टिंग में इसको जो है कंप्लीट करने के लिए आप दोनों तरफ का ही ये जो है पैनल खोल लें। और इस पैनल को हटा करके बिल्कुल साइड में रखते हैं, और
ये आप कैबिनेट देख सकते हैं, इस कैबिनेट के अंदर ही आपको जो है, चूंकि मैंने पहले निकाल चुका था, मेंस लीड्स वगैरह सब कुछ आपको मिल जाता है, कुछ भी अलग से जरूरत नहीं है। ये एक पॉलिथीन का जो है एक पाउच मिल जाता है आपको, जिसके अंदर इसके अंदर लगने वाले सारे के सारे स्क्रूज आपको मिल जाते हैं। तो ये सारे स्क्रूज लगते नहीं हैं, ये ज़्यादा होते हैं, ये कभी कम नहीं पड़ते आपको। तो इस तरीके से जो है सारे स्क्रूज आप निकाल लेंगे और जैसे जैसे आपकी ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे आप जो है इसको लगा लेंगे। तो यहाँ पर आपको सारे कनेक्टर्स मिल जाते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, जो आप देख सकते हैं। और इसके अंदर जो है सबसे पहले हम इसको लगाएंगे पैनल। इसके लिए जो है ये आप नीचे की तरफ मूव कर देंगे और मदरबोर्ड को रख करके जो है आप देख सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है, हमेशा ऑडियो पोर्ट जो होता है ये नीचे होता है इस तरीके से, तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर इसको प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा प्रेशर दे करके बिठाना होता है। इस तरीके से इसके अंदर कट होता है, ये प्रॉपर तरीके से बैठ जाएगा। उसके बाद जो है आप मदरबोर्ड को यहां से ऐसे आराम से पकड़ करके और इधर फ्रंट पे कनेक्टर्स को प्रॉपर तरीके से लगाएं इस तरीके से। और एक चीज का ध्यान देंगे, ये जो इसका बेस होता है जहां जहां पर ये होल है उसके नीचे उसका जो है बेस आना चाहिए, क्योंकि वो बेस जो है आपको पॉलीथीन उसी स्क्रू वाली पन्नी में मिलेगा, तो उसमें से निकाल करके आप यहां पर टाइट कर सकते हैं जहां जहां पर होल है। हर मदरबोर्ड के हिसाब से ये जो है ऑलरेडी जो है कंपनी बना करके देती है कि आप कहीं पर भी आप जो सब मदरबोर्ड लगा रहे हैं, जो भी मदरबोर्ड लगा रहे हैं उसके हिसाब से, उसके होल के हिसाब से आप उसको सेट कर पाएं। तो यहां पर सेट करने के बाद जो है प्रॉपर तरीके से आप ये देख सकते हैं सभी जो है होल अपने जगह पर सेट हो जा रहे हैं। उसके बाद जो है यहां से आप इस मदरबोर्ड के स्क्रू जो है देख करके अपने हिसाब से और आप जो है लगा लेंगे इसमें। इस मदरबोर्ड में एक खास बात होती है कि जो है बहुत ही अच्छे तरीके से आपका हीट सिंक जो है टाइट रहता है, तो आप हीट सिंक को पकड़ करके भी आप जो है इसको इधर उधर सेट करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मदरबोर्ड टाइट हो गया है और कंप्लीट होने के बाद यहां से जो है पावर सप्लाई के कनेक्टर से जो चौड़ा वाला है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसको जो है यहाँ पर लेकर के आना है और यहाँ पर आपको लगा देना है। उससे पहले जो है यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई इसको दी जाती है मदरबोर्ड को, उसके लिए ये अलग से कनेक्टर होता है और इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी ये कनेक्टर गलत नहीं लगता है। जब भी लगेगा तो ये अपनी जगह पर ही लगेगा और आप गलत लगाने की कोशिश भी करेंगे तो ये लगेगा नहीं। इस तरीके से इसको लगा देंगे और उसके बाद जो है ये बड़ा वाला जो पिन आप देख रहे हैं इसको इस कनेक्टर के अंदर लगा देंगे। इस तरीके से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बैठ जाता है और इसी के अंदर हमें जो है हार्ड डिस्क भी लगानी है। जो हार्ड डिस्क को का ये जो सरफेस है, जो सर्किट है, उसको नीचे की तरफ रखते हुए ये तीन चार जगह होता है, आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप इसको नीचे की तरफ लगाएं। और इसके अंदर जो है स्क्रू के अंदर थोड़ा सा मोटा स्क्रू होता है, जो स्क्रू आपको इसके अंदर लगाना होता है। तो इस तरीके से दोनों तरफ से हार्ड डिस्क को जो है प्रॉपर तरीके से टाइट कर लेंगे, ताकि किसी भी प्रकार की हार्ड डिस्क को अगर थोड़ा सा इधर उधर ले भी जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरीके से और ये जो है आपके सप्लाई के लिए है, जो हार्ड डिस्क लगाएंगे या फिर डीवीडी राइटर वगैरह लगाएंगे तो यहाँ पर जो है इसकी सप्लाई लगती है, ये भी गलत नहीं लगेगा, जब भी लगेगा सही ही लगेगा इस तरीके से। और उसके बाद जो है हमारा साटा केबल हमें मदरबोर्ड से जोड़ना है इसको, एक जो है हार्ड डिस्क के अंदर प्रॉपर तरीके से, ये भी गलत नहीं लगेगा, जब भी लगेगा सही ही लगेगा। और दूसरा पॉइंट जो है आप ले जा करके मदरबोर्ड में लगा देंगे। उससे पहले जो है हम ये कनेक्टर्स लगा लेते हैं
नहीं तो हो सकता है जगह नहीं मिलेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक ये पावर सप्लाई सब पे लिखा हुआ है, पावर स्विच, यानी जो बाहर का पैनल का जो स्विच होता है वो पावर स्विच है। और उसके बाद जो है ये HDD LED हार्ड डिस्क की LED है, और ये जो है रिसेट का है, इस पे लिखा हुआ है रिसेट, और उसके बाद जो है ये पावर LED है। तो सबसे पहले जो है हम लगाते हैं पावर स्विच। पावर स्विच के लिए जो है आप मदरबोर्ड पे देखेंगे तो यहाँ पर साटा सॉकेट के बगल में जो है, कनेक्टर के बगल में ये जो है कनेक्टर वो होता है, तो उस पर लिखा भी होता है, आप ध्यान से देखेंगे तो उस पर लिखा हुआ रहेगा पावर PSW लिखा रहेगा, यानी कि वो पावर स्विच है। तो इसके अंदर जो राइट हैंड से फर्स्ट जो होता है वो पावर स्विच होता है, इस तरीके से फर्स्ट में पावर स्विच होगा, और उसके जस्ट बाद जो होता है रिसेट का सॉकेट होता है, यहाँ से आप रिसेट की पिन लगा देंगे। उसके बाद जो होता है वो पावर LED होती है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस होता है। तो अगर नहीं समझ में आता है तो बाद में जब ऑन करके देखेंगे और जब नहीं जलेगी तो आप इसको प्रॉपर तरीके से समझ जाएंगे कि उल्टा होगा, तो सिर्फ आपको जो है वो कनेक्शन जो है वो पलट देना होगा और वो LED जो है आपकी जल जाएगी इस तरीके से। और लास्ट में जो होता है हार्ड डिस्क की LED होती है जो ग्रीन कलर की ब्लिंक करती रहती है बार बार इस तरीके से। और उसके बाद जो है आप ये साटा केबल लगा देंगे, किसी में भी लगा सकते हैं, सिर्फ हमें हार्ड डिस्क की लगाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरीके से। और उसके बाद जो है प्रॉपर तरीके से ये वायर वगैरह मैनेज कर देंगे, जगह जगह इसको बांधना ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि फैन के अंदर आकर के ये टच ना करे। तो इस तरीके से आप जो है इसके साथ बांध देंगे इसको प्रॉपर तरीके से, टाई वायर के साथ में, जो इसके साथ में ही आपको मिलेगा छोटा छोटा। तो इस तरीके से करने के बाद जो है आपका ये जो CPU है कंप्लीट हो गया, कुछ भी ज़्यादा नहीं करना था CPU। अब उसके बाद जो है आप बॉक्स लगा देंगे और आपका CPU ये जो है 5100 रुपये में कंप्लीट CPU हो जाएगा, कंप्लीट CPU है ये। और उसके बाद जो है CPU के बाद हार्ड डिस्क आपने देखा ही था, कैबिनेट आपने देख ही लिया, कीबोर्ड, इस टाइप का कीबोर्ड, आप सिंपल कीबोर्ड, ये इंटर का कीबोर्ड है जो 200 रुपये में ही मिलता है, और इंटेक्स का भी कीबोर्ड आपको 200 रुपये में मिल जाएगा, उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ है, जेब्रोनिक्स के भी कीबोर्ड आपको मिल जाएंगे, यूमैक्स के भी कीबोर्ड मिल जाएंगे, ये सब 200 रुपये के अंदर अंदर सिंपल कीबोर्ड आपको मिल जाएंगे। माउस आपको मिल जाएंगे, नॉर्मल माउस जो होते हैं ऑप्टिकल माउस ही आपको मिलेगा, 100 रुपये के अंदर अंदर आपको माउस मिल सकता है, जो हम लोग सेंटर्स में लगाते हैं, सारा दिन बच्चे यूज करते रहते हैं, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती नहीं है, सालों साल चलते हैं। तो इस टाइप से आप जो है एक CPU 5100 रुपये रेडी कर लेते हैं। तो CPU आपका मात्र 5100 रुपये में रेडी हो गया। अगर आप इसको और थोड़ा सा बेहतर बनाना चाहते हैं तो एक जो है 1 GB और इसके अंदर रैम लगा देंगे तो करीब 300 साढ़े 300 रुपये का आएगा। तो वो जो है रैम अगर आप लगा देते हैं तो 2 GB हो जाएगा। 2 GB के बाद जो है ये बहुत ही बेहतर परफॉर्म करने लगेगा। उसके अंदर आप जो है फोटोशॉप कोई भी वर्जन चलाइए, कोरल ड्रा कोई भी वर्जन चलाइए, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो एक्चुअली बहुत बड़े बड़े जो है डिजाइनिंग्स वगैरह आप नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़े बड़े बैनर पोस्टर का डिजाइनिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन नॉर्मल जो है आप सारे के सारे जैसे एक दुकान पे काम होता है, यानी कि शादी कार्ड वगैरह डिजाइन करना, नॉर्मल हैंडबिल्ड वगैरह डिजाइन करना, इस टाइप के नॉर्मल मार्केट में जो बैनर पोस्टर है वो सब डिजाइन करना, फोटोशॉप पे वर्क करना, फोटो वगैरह बनाना, ये सब सारा का सारा काम इससे कर सकते हैं। आप ऑफिसेज वगैरह का सारा काम कर सकते हैं, और 2 GB होने के बाद नेट भी आपका प्रॉपर तरीके से चलने लग जाएगा। तो ये किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी आपको एक नॉर्मल वर्क करने के लिए। वैसे तो आप, अगर आपके पास पैसा है तो आप एक से एक जो है CPU बिल्ड कर सकते हैं, लाखों लाख के CPU हैं, लेकिन जहां तक हम लोगों की बात है, हमने भी 2005 तक जो है इन सब पर वर्क किया है, प्रॉपर तरीके से मार्केट में रह करके वर्क किया है, और एक अच्छे डिजाइनर के तौर पे भी हमने वर्क किया है, तो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती थी। आज भले वक्त आ गया है i3, i5, i7 का, लेकिन ये जितने में है उतने में आपको बेहतर परफॉर्मेंस देता है।
तो दोस्तों ये तो था कंप्लीट आपका सीपीयू यानी कि हार्डवेयर कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद जो आपको क्या करना है, आपको जो भी विंडो इंस्टॉल करना है इसके अंदर, विंडो 7 या विंडो 10 दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, उसका बूटेबल पेन ड्राइव आपके पास होना चाहिए। बूटेबल कैसे बनेगा अगर आपको ये भी नहीं पता है तो इसकी भी वीडियो बनी हुई है, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके बाद जो है विंडो कैसे इंस्टॉल होगा इसकी भी मैं वीडियो बना रखा हूं, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, आप वो भी देख सकते हैं कि विंडो इसके बाद जो हम कैसे इंस्टॉल करेंगे। विंडो के बाद ड्राइवर की बारी आती है, ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करेंगे उसकी भी वीडियो बन रखा है, आप जो है वो भी देख सकते हैं, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। उसके बाद सॉफ्टवेयर की बारी आती है, सॉफ्टवेयर कौन कौन सा हमें चाहिए, कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, वो सारा का सारा जो है वीडियो में बना रखा हूँ, उन सभी वीडियोज़ की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यानी कंप्लीट करने के बाद आपको किसी भी काम के लिए किसी भी दुकान पर जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हैं। तो ये तो हुआ आपका कंप्लीट सीपीयू यानी कि कंप्लीट कंप्यूटर आपका हो गया। अब आती है बारी मॉनिटर की। मॉनिटर अगर आपके पास एलईडी टीवी है, एलसीडी टीवी है, तो उसके अंदर ऑलरेडी जो है सुविधा दी हुई होती है, आपको अलग से मॉनिटर लेने की जरूरत नहीं, आप अपने टीवी को कंप्यूटर बना सकते हैं। यानी कि अगर आपके यहाँ एलईडी टीवी है तो आप जो है उसी को यूज करके आप यानी कि जब टीवी देखना है तो टीवी बना सकते हैं और कंप्यूटर चलाना है तो कंप्यूटर चला सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम बिल्कुल सेपरेट रखना चाहते हैं, तो आपको 3,000 के रेंज में भी बहुत सारे मॉनिटर आप उपलब्ध हैं, जो अगर आप अमेजोन पे जाते हैं तो मैं दिखा रहा हूं आपको, यहां पर आप देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप एओसी वगैरह का या कोई भी ब्रांडेड अगर आप लेते हैं तो 4,000 4,500 के आसपास मॉनिटर आपको मिल जाता है, तो तब भी आपको 10,000 के नीचे नीचे ही आपको कंप्यूटर कंप्लीट होकर के आपको मिल जाता है। अगर जेब्रोनिक्स वगैरह मिल लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3,600 रुपये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2,900 रुपये है। तो इस तरीके से भी आपको मॉनिटर मिल जाते हैं, यानी कि 3 से 4 हज़ार के रेंज में आप मॉनिटर मिल जाएगा। तो आपको 10,000 के अंदर अंदर कंप्लीट बिल्कुल सेपरेट आपका जो कंप्यूटर है यानी कि डेस्कटॉप कंप्यूटर आपका रेडी हो जाएगा। और अगर आपके पास टेलीविजन है तो कोई बात ही नहीं, आप सिर्फ 5,000 रुपये खर्चा कीजिए, आपके घर जो है कंप्यूटर आपका आपका टीवी ही कंप्यूटर बन गया। तो अगर आपके घर टीवी है और बच्चों के लिए अगर आप पीसी लेना चाहते हैं तो ये पीसी बहुत ही बेस्ट है और प्रॉब्लम्स नहीं आती है, क्योंकि ये इसी टाइप के जगह पर यूज करने के लिए बना हुआ है। सेंटर्स वगैरह पर बच्चे खूब छेड़छाड़ करते हैं और सालों साल चलता है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो अगर आप अपने बच्चे के लिए लेना चाहते हैं, सीखने सिखाने के लिए लेना चाहते हैं, तो ये पीसी जो है बहुत ही बेस्ट होगा। और आपके घर अगर टीवी है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप मात्र 5,000 रुपए खर्चा कीजिए और अपने टीवी को ही कंप्यूटर बना लीजिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।